हेलो एंड वेलकम यू ऑल, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हमारे पास है बोट की लेटेस्ट स्मार्ट वॉच, बोट वॉच ब्लेज। 3500 रुपये प्राइसिंग इसकी रखी गई है। एंड खास बात क्या है, ना तो आपको एमरोड डिस्प्ले मिलता, ना आपको ज़्यादा स्पोर्ट मोड मिलते, कोई भी एडिशनल फीचर इतना नहीं दिया गया। तो ये इनकी खास बात है स्मार्ट वॉच की। बात इससे हट के ये वॉच आती है थोड़ा बेटर प्रोसेसर के साथ एंड दिखने में स्लिम है, अच्छी है। देखते हैं 3500 रुपये वर्थ है या नहीं, वो सब हम इस वीडियो में कवरअप करेंगे, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी डिले के। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग एंड अपकमिंग वीडियोज के लिए। मेरा नाम स्वरूप, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी एस टेक। चलिए अनबॉक्स कर रहे हैं बोट ब्लेज को। तो गाइस, ये स्मार्ट वॉच 3500 रुपये में अमेज़ोन पे अवेलेबल थी। एंड चाहें तो आप नीचे जो लिंक दिया गया है उससे यूज करते हुए ये स्मार्ट वॉच आप परचेज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बेनिफिट हमें भी मिल जाएगा। तो हमने परचेज किया थोड़ा सा अलग कलर, आप उस कलर को कुछ भी बोल लीजिए, स्किन कलर, न्यूड कलर वगैरह वगैरह बोल सकते हैं। तो गाइस, प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है। बॉक्स को ओपन करते ही आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट देखने को मिलता है, सिर्फ प्रोटेक्शन थी ऊपर वाली। ओके, देन आप इसको निकाल के साइड में रख दीजिए। आपको चार्जिंग सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पे आपको इसका एक बेसिक चार्जर दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे बोट की बुकलेट्स हैं एंड डिटेल्स हैं, कौन सी ऐप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। बोट ने मतलब हर वॉच के लिए एक अलग से ऐप निकाल के रखी है। तो यहाँ पे बोट हब ऐप है जो आपको डाउनलोड करनी होगी इस स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करने के लिए। तो हम वो चीज़ नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐप ही चाहिए स्मार्ट वॉच को यूज़ करने के लिए, तो वो हम इग्नोर करेंगे। आते हैं प्रोडक्ट पे। तो गाइज, प्रोडक्ट आपको मिल जाता है एक मेटालिक फ्रेम के साथ एंड ये आपका सिलिकॉन का स्ट्रैप है। वेरी बेसिक स्ट्रिंग दी गई हैं, बट जो बटन्स हैं वो नॉर्मल स्मार्ट वॉचेज के अलावा यहाँ पे थोड़ा एडिशनल दिया गया है। 2 बटन्स का सेटअप यहाँ पे है। 1.75 इंचज का आपको डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जाता है एंड उसके अलावा 2.5D कर्व यहाँ पे आपको मिलता है। तो वॉच ऑन करते ही आपको बोट का नेम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये स्मार्ट वॉच आपकी आती है 500 nits ब्राइटनेस के साथ, 320x385 पिक्सल डेंसिटी एंड 286 PPI यहाँ पे मिलती है। तो ये अटक गई है आपकी ऐप पे, हम ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। तो गाइस, कुछ परमिशंस यहाँ पे अलाउ करने के बाद ये जो है आपकी ऐप को ऐप ने लाइक अलाउ कर दिया एंड प्रोडक्ट यहाँ पे स्कैन होना स्टार्ट हो गया। तो फर्स्टली प्रोडक्ट नहीं आया फर्स्ट ट्राई में, सेकंड ट्राई यहाँ पे करते हैं। तो सेकंड ट्राई में आ चुका है एंड इंटरनल सर्वर एरर कुछ बता रहा है ये, बट स्टिल वॉच हमारी पेर हो चुकी है। तो गाइज, अगर ब्रांड के कोई लोग ये रिव्यू देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है इस टाइप का मत कीजिए कि एप्लीकेशन ही नीडेड हो कोई भी स्मार्ट वॉच को यूज़ करने के लिए, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। देन गाइज, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अपोलो 3 ब्लू प्लस यहाँ पे प्रोसेसर यूज़ किया है स्मार्ट वॉच में। बोला है कि जो UI है वो स्मूथ है, बट मुझे तो काफ़ी लैगिंग यहाँ पे नज़र आ रहा है। इवन अपडेट का ऑप्शन भी यहाँ पे है, तो आई गेस अपडेट करने के बाद ये कुछ सुधर जाएगी। एंड कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है तो इसको हम अपडेट कर लेते हैं। तो गाइज, स्मार्ट वॉच यहाँ पे अपडेट हो चुकी है, बट तब तक हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अपडेट के बाद मुझे तो कोई भी मेजर चेंज यहाँ पे नहीं लगे एंड स्टिल UI मुझे लैगी लग रही है। तो UI में कुछ भी चेंजेस यहाँ पे नहीं है। अगर बात करूँ मैं इस प्रोडक्ट की डिटेल्स की, तो आपको मिल जाते हैं 14 स्पोर्ट मोड एंड स्पोर्ट मोड आप यहाँ से लाइक ये ऊपर वाला बटन है, मेन बटन, होम बटन, कुछ भी बोल लीजिए वो दिया गया है। नीचे वाला बटन आपका वर्कआउट के लिए यहाँ पे है। तो 14 डिफरेंट टाइप के आपको वर्कआउट मिल जाएंगे
डिस्प्ले बोलूंगा मैं डेफिनेटली काफ़ी अच्छा दिया गया है एंड स्मूथ टच है, बट लेगीनेस हम बोलेंगे कि स्टील यहाँ पे बना हुआ है। देन ऊपर से स्वैप करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशंस पैनल एंड कुछ डिटेल्स यहाँ पे। नीचे से स्वैप करेंगे देन आपको नोटिफिकेशन मैसेज वगैरह की आपको मिल जाएगी। ये ऊपर वाला बटन आपका जो है मेन्यू के लिए काम करेगा, जहाँ पे आपको वर्कआउट मोड, वर्कआउट रिकॉर्ड, हार्ट रेट, SPO2, एक्टिविटी, स्लीप, ब्रीथ, ट्रेनिंग, म्यूजिक, मैसेज, वेदर, स्टॉपवॉच, टाइमर, अलार्म, फाइंड माई फोन कैमरा एंड सेटिंग्स जैसे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इवन आपको रेज टू वेक अप एंड कुछ अदर फंक्शंस भी मिलते हैं। ना तो आपको कोई भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा एंड ना ही एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी यहाँ पे बोलूँगा सेटिस्फाइंग नहीं है। 350 रुपये ले रहे हैं किस चीज़ के लिए ले रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले के लिए बोट आपसे वसूल कर रहा है। तो हम अगर सेंसर के टेस्ट पे आए तो देखते हैं कि सेंसर किस टाइप का आपको मिल जाता है इस स्मार्ट वॉच में। तो गाइज सिर्फ दो सेंसर दिए गए हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा आपका सेंसर टेस्ट में एंड हम चेक कर लेंगे कि क्या आपको क्वालिटी मिलती है सेंसर्स की। तो हार्ट रेट आपका 24/7 है, तो वो ऑटोमेटिकली मेजर होता रहेगा, एप्लीकेशन से जाके आप उसको टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा हार्ट रेट आ रहा है 87 एंड ये स्मार्ट वॉच बता रही है 89, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एंड मैं बोलूँगा करीबन करीबन एक्यूरेट ही है हार्ट रेट, इतना कुछ भी मेजर चेंज नहीं है एंड फास्ट लगा दूसरी स्मार्ट वॉचेज से। देन लाइक अगेन 89, ठीक है वो चलता है। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के लिए मुझे जाना होगा यहाँ पे एंड ये रहा ऑक्सीजन आपका। तो ये टाइट बांधने के लिए बोल रहा है, टाइट मैंने ऑलरेडी बांधा हुआ है 96, 97। ये ऑक्सीजन यहाँ पे फ्लैक्चुएट कर रही है हमेशा की तरह, माइक्रोटेक के ऑक्सीमीटर पे, बोट की स्मार्ट वॉच पे देखते हैं 96 आता है, 99 आता है, क्या डेटा यहाँ पे निकल के आता है। तो गाइस ये इतने झंझट के बाद आपको 100% ऑक्सीजन लेवल बता रहा है एंड आज तक मेरा कोई भी ऑक्सीमीटर में 100% ऑक्सीजन नहीं आया। 97, 98, 96 ये आता है, बट बोट की स्मार्ट वॉच ने ये बताया है काफ़ी ज़्यादा एंड सेंसर्स वाइज मुझे इतना एक्यूरेट नहीं लगी ये स्मार्ट वॉच अगेन। तो मैं इसको बोलूँगा फुल्ली पैसा वेस्ट स्मार्ट वॉच। अगर आपके पास 350 रुपये वेस्ट करने के लिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्ट वॉच को परचेज कीजिए। तो गैज हमने इस स्मार्ट वॉच के टेस्ट किए काफ़ी सारे तो नहीं, बट हाँ मैंने आपको बता दिया स्मार्ट वॉच के बारे में कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ऑलरेडी। एंड आपको 380 में मिलता है, बट एक जगह 380 बोलते हैं जो अंडर वोट और 30 मिनट तक सर्वाइव कर सकता है। दूसरी तरफ बोट अगेन लिखता है कि ये स्मार्ट वॉच वाटर रेजिस्टेंट है, डस्ट रेजिस्टेंट है। तो आइदर लिखिए वाटर प्रूफ या 380 लिख के छोड़ दीजिए, दो दो चीज़ लिख के कस्टमर को कन्फ्यूज़ करने का कोई भी मतलब नहीं होता। देन आप 350 रुपये ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं? आपने बोला प्रोसेसर अच्छा है, लैगिनेस नहीं मिलेगा, लैग है। नॉर्मल स्मार्ट वॉच से ज़्यादा लैग यहाँ पे आपकी स्मार्ट वॉच में देखने को मिल रहा है। देन डिस्प्ले, डिस्प्ले इतना अच्छा नहीं लगा। एमोलेड पैनल काफ़ी सारी कंपनीज ऑफर कर रही हैं, इवन 3000 में, लाइक 3500 में डी जो स्मार्ट वॉच आ रही थी, देन आपको 4000 रुपीज़ में मिल जाएंगी। इवन आप कोलिंग स्मार्ट वॉच ले सकते हैं इस प्राइस रेंज पे, 3500 मिड रेंज के करीब आ जाता है इंडियन मार्केट में एंड इंडियन यूजर्स इस रेंज की स्मार्ट वॉच काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो गाइज मैं इन शॉर्ट आपको बोलूँ, पैसा वेस्ट है मत लीजिए, मत वेस्ट कीजिए आपके पैसे। काफ़ी सारे स्मार्ट वॉचेज हैं इस बजट पे जो आप ले सकते हैं एंड इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो दूसरी स्मार्ट वॉच में आपको नहीं मिलेगी, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए। तो इस वीडियो में मेरी ओर से बस इतना ही गाइस, अगर आपका पैसा बच गया है वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, थम्स अप दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय गाइस।